इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल अच्छा से गाना गाओ अच्छा छोर से हमें तुमसे प्यार कितना हंसा प्रफुल गधे ये गाना छह से थोड़े ही शुरू होता है हाँ लेकिन बाबूजी यही गाना हम छह बार गाएंगे ना तो क्या ही मानसु छह तो छह से होता है ना क्या दूंगी वो बराबर हिमांशु तू भी है ना हाय लॉर्ड बाबूजी आपने अभी तक चाय नहीं पी तो ठंडी हो गई है फिर तो गर्म करके ले आ हे भगवान दिन में 10 बार चाय पीते हैं और 50 बार गर्म करवाते हैं हिमांशु तू एक माइक्रोवेव लेके आ प्रभु माइक्रोवेव मतलब माइक्रोवेव अच्छा अरे माय मतलब मेरा क्रो याने कौवा और वेव याने ऐसे ऐसे हाथ हिलाते ना तो अपने कौवे को ऐसे ऐसे बाय बाय करते हैं उसे क्या कहते हैं माय क्रो अच्छा अच्छा माइक्रोवेव अच्छा 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 ना बड़ी बहन ए माइक्रोवेव तो वो ए वो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं तो काट की पेटी में नहीं रखते डॉक्टर अरे ओ मूछो वाले हंसा वो तो बाबूजी बराबर है हिमांशु तू माइक्रोवेव को भूल जा और बाबूजी आप केटल ले आइए प्रफुल केटल का मतलब बच्चों से पूछकर बाजार से केटल खरीद कर लिया प्रफुल समझ गया प्रफुल मैंने तुझे क्या कहा था यही कि आपको बार बार चाय पीने की आदत है इसलिए जेशी भाभी आपके लिए ढेर सारी चाय बनाकर रखने वाली है तो प्रफुल तू बाजार जाकर केटल का बंदोबस्त करके आना हाँ तो क्या बाबूजी तो क्या मैंने केटल का बंदोबस्त किया था देखिए ये प्रफुल गधे ये तो गाय है गाय अच्छा मतलब आपको ये अभी पता चला प्रफुल तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा है ना ये भी मुझे अभी पता चला गाय उठा कर क्यों ले आया बाबू ये आप ही ने तो मुझे कहा था कि केटल लेके आना और किसी किस्म की गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने केटल का मतलब जैकी और चक्की से पूछ भी लिया था तो उन्होंने मुझे कहा कि गाय भैंस बैल यानी केटल रफ़ुल चाचा आपने हमसे केटल पूछा था केटल केटल CADDLE वाला केटल और मैंने तुझे KETTLE वाला केटल केटल लाने को कहा था बस बस बाबूजी आप पूरी बात बदलिए मत आपने स्पेलिंग तो हरगिज नहीं कहा था और यू भी नहीं किया था बाबूजी यू भी नहीं किया था चल भाई मेरी गलती लेकिन बेटा देर सारी चाय का गाय के साथ क्या लेना देना इतना तो सोच अच्छा मतलब ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा बाबूजी चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत पड़ती है और ढेर सारी चाय के लिए ढेर सारा दूध चाहिए जो ये गाय हमें देगी समझे आप अरे पर चाहिए दरोगा साहब ये देखिए ये रही हमारी गाय और ये रहा वो चोर गिरफ्तार कर लीजिए इसे हाँ इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए और डाल दीजिए जेल में जमानत पर भी मत छोड़ना इसको हाँ चलिए अरे लेकिन मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं नहीं उसका जवाब तुम पुलिस स्टेशन में जाके देना अरे मैंने तो सवाल किया है हाँ तो मैं उसका जवाब पुलिस स्टेशन में जाके दूंगा चलो चाय पीते पीते चलो ले जाओ इसे ले जाओ अरे ये सब क्या हो रहा है छोड़ दीजिए हंसा भाभी ऐसा नहीं हो सकता है अरे वो मेरे बगैर नहीं रह सकते फिर तो मैं आपको अंदर डाल दे तो चलिए नहीं नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करिए क्यों चाची के साथ बहुत लगाव है नहीं इन चोरों के साथ लगाव है अगर मम्मी और पापा दोनों इस जेल में होंगे तो ये जेल ही बंद हो जाएगी इंस्पेक्टर कुमार कहाँ मर गया ए धीमान ओह आओ 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 सब लोग आओ अरे ये सब क्या हो रहा है ये सब कौन हो गए अरे ये तो अपनी हीरा बहन है मेरी ननद प्रफुल भैया की छोटी बहन हाँ और इनको ही देखने का लड़के वाले आने वाले हैं करके कितनी बड़ी हो गई है ना चलिए जल्दी से प्रफुल भैया को छोड़ दीजिए और बताइए बाथरूम कहाँ है
वो एक मिनट रुको अभी, ये लो 1 किलो रुपए। 1 किलो? तो गिनने का टाइम नहीं मिला। 1 किलो में करीबन 2 लाख रुपए होते हैं। चलो चलो छोड़ दो प्रफुल भैया को। हाँ, देखिए ना कितने दुबले हो गए हैं प्रफुल। देख जो इसलिए इन लोगों ने तो इन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया। छोड़ दो ना उन्हें। देखिए प्रफुल भैया को बेल नहीं मिल सकती। हाँ तो बेल नहीं तो रगड़ा पेटी, सेव पूरी, छोले भटूरे कुछ तो दीजिए। अरे बेल बेल जमानत, सोमवार तक उनकी बेल नहीं हो सकती। है लौट सोमवार तक? अरे लेकिन कल तो हीरा बेन को देखने लड़का आ रहा है। ये लीजिए 1 किलो और रुपए रख लीजिए बस। जैसी भाभी आप मुझे ब्राइब दे रही हैं। ए चल चल, ऐसे कुछ भी मत बोल। हम तुझे क्यों हीरा बेन देंगे? हीरा बेन? हाँ, तो इन्हीं की तो शादी होने वाली है, यही तो बनेगी ब्राइब। अंसा भाभी वो तो ब्राइड। हाँ हाँ वो भी। चले चले अब जल्दी से प्रफुल भैया को छोड़ दीजिए। बताइए बाथरूम कहाँ है? देखिए बाथरूम चलिए मैं ही खोल देती हूँ मेरे प्रफुल। अरे क्या हो रहा है? अरे अरे प्रफुल आप आइए यहाँ, आइए प्रफुल, मैं आपको खोल देती हूँ। नहीं 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 गए हैं गए हैं जेल हम। काले चोर से हम तो नहीं कम। गए हैं जेल हम। ओ सनम हम दोनों कैद रहे जन्म जन्म। चुप रहो। अगर आप दोनों पूरा दिन इसी तरह बकवास अंताक्षरी खेलते रहोगे तो वाकई 7 जन्म तो यही कैद रहोगे। तो क्या करेंगे बेचारे टाइम पास करने के लिए? यहाँ ना टीवी है, ना रेडियो है, ना वीडियो है। फिर? एकदम थर्ड क्लास जेल है, थर्ड क्लास। बिल्कुल खर्चा नहीं किया। देख ना, ये मुझे ठीक से तैयार भी होने नहीं देते। हाँ। देख वो ही साड़ी पहन के बैठी हूँ मैं। वो देखिए आप इन्हें साड़ी बदलने दीजिए। नहीं। अरे दिन में 8 बार साड़ी बदलती है बिचारी। 8 बार? हाँ, तेरी तरह नहीं। ऐसे एक बार मैंने काकी कॉलर का पैंट शर्ट पहन लिया तो बस। जयश्री ये तो कपड़े ही नहीं बदलते। हाय लॉर्ड। ये मेरी वर्दी है जो बहुत जल्द उतर जाएगी। अच्छा। आप लोगों की वजह से जो 3 चोर हमें झांसा देकर भाग गए हैं ना, वो अगर नहीं पकड़े गए तो, और उसमें से एक चीकू नाम का चोर तो कितना खतरनाक था पता है? तो क्या हुआ कंजूस काकड़ी? कंजूस काकड़ी? अरे और नहीं तो क्या, ये पूरी जेल भरी पड़ी है चोर डाकुओं से, उसमें से 2-4 कम हो गए तो कितने कुड़कुड़ करता है जो। तो और नहीं तो क्या, आपको पता है हमारे घर में फ्रिज के अंदर जयश्री भाभी कितने सारे फ्रूट्स रखती है, उसमें से हर रोज ढेर सारे फ्रूट्स कम होते हैं, तो जयश्री भाभी आपकी तरह रोने नहीं बैठती। फ्रूट्स का चोरों के साथ क्या लेना देना? और ये क्यों, उनमें से एक का नाम चीकू था ना, था ना, तो चीकू फ्रूट हुआ कि नहीं? सर सर क्या है? सीनियर इंस्पेक्टर मुखर्जी आ रहे हैं। मर गए इंस्पेक्टर मुखर्जी, मेरे ऊपरी मर गए। हाय हाय वो मर गए, पर ये चंबू तो कह रहा था कि वो अभी यहाँ आ रहे हैं। अरे यहाँ से 3 चोर गायब हो गए हैं, ये उन्हें पता चल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा आप मर जाएंगे। हाँ तो मर जाइए। चलिए अब क्या करें जयश्री भाभी? उस सीनियर इंस्पेक्टर मुखर्जी ने उन 3 चोरों को देखा है? नहीं। तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो तो मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। सर आपको गलत खबर मिली है, ये 3 चोर यहाँ सलामत है, ये देखिए। होते ही पारे ना कोनो दिन। 3 चोर होने सकता नहीं,
हम सुना है वही जो चोर है तीन ठो कितना खतरनाक चोर है डेंजरस तीन ठो बड़ा बड़ा चोरी किया है ये लोग वो चोर होते ही पारे ना कोनो दिन। अरे हमने बैंक लूटे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स लूटे हैं और चप्पल की दुकान चोरी करने के बाद हमने चप्पल की दुकान वाले का जो सर फोड़ा था तीन बार बोलेगा जो सर फोड़ा था सब लोग ताली बजाने लगे थे। अरे तू उसका सर फोड़ेगा लोग ताली बजाएगा। हाँ, एम्बुलेंस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ ऐसे करके। लेकिन तब तक हम लोग भाग चुके थे हीरे मोती लेकर। होते ही पारे ना कोनो दिन। चप्पल का दुकान से तुम लोग हीरा मोती कैसे चुराया है वो जैसी बहन को मालूम। अरे चप्पल की दुकान से तो चप्पल ही चोरी किए थे हीरे जवाहरात तो चोरी की दुकान से चुराए थे चिकू। हमने चोरी की दुकान में भी चोरी की थी माने तुमको मालूम नहीं है। अब कौन कौन सी चोरियां याद रखेंगे इंस्पेक्टर साहब। हम चोर ये भी मुश्किल से याद रखा है बापू। क्या देखो अभी आप इंस्पेक्टर है लेकिन अचानक जैसी बिना के आपको बोलेगी चलो 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 अभी आप डॉक्टर है तो आप घर पड़ा जाओगे कि नहीं बापू। उसी तरह मैं कैटरर हूँ ए मेरा कैटरी का ददा दम दोकार चलता है। तो फिर तुम चोरी क्या करता है शौक शौक शौक। मुझे एक बार शौक लगा था इलेक्ट्रिक का तब से मैं शौक मतलब हॉबी हॉबी चोरी करना हॉबी है चीकू की है ना। हाँ चीकू की चोरी करना मेरी हॉबी है। एक बार मैंने नींबू भी चुराया था चीकू के साथ। अरे चीकू तेरा नाम है हिमांशू। हिमांशू हिमांशु तार माने तुम्हारा नाम हिमांशु है के तुम्हारा नाम चीकू है। हिमांशु इसका पेट नेम है। होते पारे ना कोनो दिन। अभी क्या है जो आशुल नाम होता है वो बड़ा होता है। अच्छा जमुन हमारा नाम क्या लिखा है इधर देखो ऐसे मुखर्जी माने सर्वजनीन विद्यासागर मुखर्जी। किंतु हमारा पुकारने का नाम माने बंगाली में जिसको डाक नाम बोलता है क्या है पूछो क्या है क्या है फू। अच्छा फू। अरे हो जाता है ऐसा कभी कभी फू। अब देखो शकल से आपको जल्लाद या चांडल होना चाहिए था लेकिन आप हो क्या इंस्पेक्टर है ना तो हो गया ना उल्टा। इसी तरह ये लोग खून खा रहे बस। होते ही पारे ना कोनो दिन धीमंत झबेरी तीन जन को अलग अलग शेर में बंद करेगा और इन लोगों को जमानत होने देगा नहीं। होता ही हीरा पन्ना अल्लाह दिन उत्तर में समझा दूंगा। जयश्री भाभी आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया को अपनी मनमानी करने की इजाजत देकर आओ मीना सुपर सीना क्रेजी बॉयज लकी गर्ल्स लकी बस गए आप। भाई कोई इन्हें समझाओ ये क्या हो रहा है यहाँ ये दीवार क्यों चुनवा रहे हैं। क्योंकि आपकी ये सलाखों वाली जो दीवार है ना उसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है देखिए। ये दरारें पड़ नहीं गई है पहले से ऐसी थी। तो आपने ऐसी क्यों बनवाई। हाँ प्रफुल्ल इन्होंने ना लोहा बचाया। अरे ये डिजाइन है डिजाइन और ये जेल है यहाँ दीवार नहीं चुनवा सकते। अरे अगर हम दीवार नहीं चुनवाएंगे तो जो हमने एसी लगवाया उसकी हवा बाहर नहीं चली जाएगी। एसी इंस्पेक्टर साहब मेरी अंसा के लिए इंस्पेक्टर साहब मेरी अंसा के लिए एसी जेल देखिए। इन्हें एसी किसने लगवाने दिया। अरे मैंने ही लगाने दिया धीमन
जैसी भाभी आप मेरी बात, मैंने तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से बचाया ना, अब चुपचाप बैठ और रोटी को घी लगा। जैसी भाभी ये गोभी बारी काटो। अरे तू क्या गोभी काट के बैठ गया राम जी? मेरा ही फोन होगा। हाँ अच्छा आ जाइए आ जाइए। भाई लॉर्ड जयश्री भाभी, एक बड़े पत्रकार को खबर मिल गई है कि हंसा भाभी ने तीन चोरों को भागने में मदद की है और वो यहाँ है। तो ना बोल दे। अरे लेकिन उन्होंने पूछा कि प्रफुल भैया और हंसा भाभी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? उसका जवाब हंसा भाभी और प्रफुल भैया खुद देंगे पत्रकार को। मिसेस पारेख, हमने सुना है कि आपने तीन चोरों को भगाने का काम किया। चल चल कुछ भी मत बोल, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है। मैं जब छोटी थी ना तो मेरे पापा ऐसे मेरे को चलाने की कोशिश करते थे, तो कहते थे बेटा 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 चल 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 आजा 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 आजा। तभी भी थाप थाप करके मेरी जगह पे जयश्री चलती थी। इसको तो कुछ भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। अच्छा, और वो भी डॉक्टरेट। पत्रकार कुमार प्रफुल, डॉक्टरेट मतलब? देखो डॉक्टरेट अंसा, अरे वो मेरा दोस्त डॉक्टर भट्ट, वो और उनकी बीवी जब तुम्हें मिलते हैं तो तुम उन्हें क्या कहती हो? हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। तो तब उनकी बीवी तुम्हें क्या कहती है? मैं तो जरूर खाना खा के जाऊंगी, लेकिन डॉक्टरेट 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 मुझे लगता है कि ये दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे हम दोनों तो जेल में ही थे। लोग जेल में थे? हाँ मतलब पुलिस स्टेशन देखने आए थे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। क्योंकि वो हम जेल खरीदना चाहते थे ना, इसलिए। जेल खरीदना आए थे आप? हम सब खरीदते हैं। हमने पिछले हफ्ते मगरमच्छ खरीदा था। मगरमच्छ? ऐसा हुआ ना कि बाबूजी ने हमें ट्रेन खरीदने से मना कर दिया, तो जयश्री ने कहा कि बाबूजी को मनाने के लिए मगरमच्छ के आंसू गिराने पड़ेंगे। तप, तप, तप। तो हमने मगरमच्छ खरीद लिया। नहीं मतलब आपने मगरमच्छ के आंसू गिराए? गिराने तो मगरमच्छ के आंसू थे, लेकिन गिर गए बाबूजी के आंसू। बाबूजी ने कहा प्रफुल प्रफुल इन जानवर को जहाँ से लाया था वहीं ले जा, वापस ले जा, वापस ले जा, जल्दी वापस ले जा। ऐसे कर रहे थे। डरपोक, बिल्कुल डरपोक। एक तरफ डर रहे थे और दूसरी तरफ बाबूजी दिलचस्पी दिखा रहे थे। मुझे कह रहे थे प्रफुल ये मगरमच्छ का मुंह खुलवा रहा। मगरमच्छ का मुंह देखकर उनको क्या मिलता? बाबूजी को अपना पैर वापस मिलता, है ना, है ना। अरे बाबूजी का पैर मगरमच्छ के मुंह में था ना। चोर लुटेरों से तो ये दोनों खतरनाक है, इसीलिए तो चोर लुटेरे नजर नहीं आ रहे हैं, इनके डर के मारे सारे छिप गए। छुपा नहीं है, भाग गया था। ए दीवान देख, चीकू चीकू आ गया। पक्का चीकू गए हैं, हम पकड़ के लाया है इसको। दीवान तो झबेरी, हम तुमको पहले ही बोला था, होते ही पारे ना कोनो दिन। हाँ, पांच बार। ताई तो अभी हम पकड़ के लाया है इनको, इनको अंदर सेल में बंद करेगा, बाद में तुम उनसे मिलेगा, समझा है? हेलो बा जयश्री, नसीब खबर में तो हम जेल से वापस आ गए, धक्के मारकर बाहर निकल लिया और वहाँ पुलिस स्टेशन में हमारी तस्वीर चिपका दिए और नीचे लिखा है कि नेवर वांटेड। अब हम खून भी करेंगे तो भी हमें जेल में नहीं डालेंगे, ऐसी कसम खाई है इंस्पेक्टर धीमन। लेकिन बा प्रफुल भैया को जेल में डालने का सुझाव बाबूजी का था, इसलिए करेक्ट। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बॉल।